दोस्तों, आए हैं हम सैलाना। आपको आज सैलाना का टूर करा रहे हैं। सैलाना ये रतलाम ज़िले के पास में है, मात्र 25 किलोमीटर दूर है सैलाना सिटी। सबसे ख़ास चीज़ है यहाँ पे सैलाना का कैक्टस गार्डन। क्यों खास है? क्योंकि ये एशिया का एकमात्र ऐसा कैक्टस गार्डन है जहाँ पे हज़ारों प्रजातियों के कैक्टस मिलते हैं। आपको एशिया में और कहीं नहीं मिलेगा। आपने ज़रूर सुना होगा, आप एक बार गूगल सर्च करके देखेगा। हम आपको ले चलते हैं, बहुत ही विभिन्न प्रकार के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न शेप के आपको कैक्टस मिलेंगे। मैं खुद जाता हूँ, देखता हूँ तो मैं दिल खुश हो जाता है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए। ज़रूर आप देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं। दोस्तों, ये भी आए हम सैलाना के सिर्फ विश्व प्रसिद्ध कैक्टस गार्डन में। ये एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के बड़े बड़े कैक्टस लगे हुए हैं, अलग अलग प्रजातियों के। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चलते हैं। आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? इसका नाम है द कैक्टस गार्डन। क्या कैक्टस? और एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। यहाँ पे हजारों प्रकार के प्रजातियों के कैक्टस मिलते हैं। हम उसके आगे बिल्कुल बच्चे नजर आते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कैक्टस गार्डन। देखिए नज़ारा, ये देखिए, एक ही प्रजाति का एक ये है, बिल्कुल गोल मटोल कैक्टस गार्डन। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए गोल गोल गार्डन कैक्टस, देखिए कितने खूबसूरत हैं। ये देखिए, ये हम रेगिस्तानों में देखते हैं इनको, यहाँ पे इनको स्पेशल लाके लगाया गया है। हालांकि मैं नाम नहीं जानता कि कौन से प्रजाति का है, लेकिन ये देखिए इसकी लंबाई, इसको देखो खुशी हाथ पकड़ेगी। ये देखो इसका हाथ पकड़ रही है। देखो यहाँ पे अभी इस समय, इस सीज़न में मोर काफ़ी है, आवाज़ आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए कैक्टस गार्डन सैलाना का बहुत प्रसिद्ध। इसको देखिए आप, इसकी लंबाई देखिए, ये देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितनी हाइट है उसकी। ये देखिए, ये कैक्टस अपने आप में अद्भुत है, काफ़ी ये तो कुतुब मीनार की तरह दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कुतुब मीनार छोटा पड़ जाएगा। ये देखिए पास से देखिए इसको, ये देखिए इसकी लंबाई देखिए, ये लंबा देखो कितना ऊपर तक जा रहा है। ये देखिए, हाँ अभी ये देखिए, ये कैक्टस गार्डन का एक थोड़ा नज़ारा देखिए, चारों तरफ कैक्टस ही कैक्टस हैं। ये देखिए पूरा जंगलों की तरफ पीछे हैं। ये देखिए आप, चलिए और दिखाते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फनी फन की तरह फैले हुए हैं, देखो कैक्टस कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे, ये सब अलग प्रजाति, ये भी अलग प्रजाति का कैक्टस है, ये थोड़ा पत्तों के साथ में है। ये देखे एक ये जा रहा है, ये इस इनकी देखिए हाइट, किसी जंगल की तरह फैले हुए हैं। इनकी लंबाई देखिए आप, कैक्टस गार्डन आपने कैक्टस राजस्थान में देखे होंगे एकदम छोटे छोटे कैक्टस, लेकिन यहाँ पे उन प्रजातियों के एक्सटेंडेड वर्जन है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए है एकदम कमाल। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पे मंत्रमुग्ध हो जाता है इन चीज़ों को देख के। ये देखिए एक छोटी सी नीचे डंडी लगी है और ये ऊपर देखे तीन फन लगे हैं, और इसको देखो आप, ये ऐसा लगेगा जैसे समंदर में नहीं देखते हम जहाँ पे कुछ पौधे निकल जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से निकला। ये भी अलग प्रजाति का है। ये देखिए बहुत ही अजीब अद्भुत। चलिए और आगे चलते हैं लेके आपको। चलिए ये देखिए, ये कैक्टस को देखिए आप, एकदम बिल्कुल पतले पतले
अभी तक हमने कितने मोटे मोटे और बड़े बड़े देख रहे थे, अभी देखो घास की तरफ कैक्टस फैला हुआ है। ये देखिए ये मज़ेदार, कितना खूबसूरत, बहुत यूनिक यूनिक आप यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप इस कैक्टस को देखिए, ये किसी घास की तरह लग रहा है लेकिन है एक तरह का कैक्टस ही है। ये देखिए, चलिए आगे चलते हैं। हम ऐसा लगेगा आप कैक्टस के जंगल में आ गए। ये देखे आपने कभी देखा ऐसा नज़ारा, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है रतलाम ज़िले के सेलाना में यहाँ पे स्थित कैक्टस गार्डन। आप कभी भी यहाँ पे आए, पारा मौसम में आपको ये कैक्टस गार्डन आपको हमेशा खुला मिलेगा। आपको रतलाम से ये मात्र 25 किलोमीटर दूर है ये कैक्टस गार्डन। आप जब भी आना चाहो आ सकते हैं। यहाँ का इतिहास भी बहुत पुराना है। और आप ये जो देखिए दूर आपको ये महल दिख रहा है यहाँ पे, इस महल पे 80 से 90 के दशक में फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। हालांकि फिल्म का नाम मुझे मालूम नहीं है, मैं पता करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल के बता दूंगा आपको मैं। चलिए तब तक आप यहाँ के नज़ारों का मज़ा लीजिए जंगल का। आपने भी ऐसे कभी नज़ारे नहीं देखे होंगे, क्योंकि मैं तो जब भी आता हूँ बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इस तरह की वैरायटी के आपको एशिया में और कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्या लार्जेस्ट कैक्टस गार्डन है। इन दोनों को देखिए, ये दोनों तो मज़े ले ही रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, कभी थक जा रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग यहाँ पे? अच्छा लग रहा है आपको? आप कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे इसके गार्डन पे? हाँ, पाँच छः बार आ चुके हैं। हम हर साल यहाँ पे आते रहते हैं, वैसे हमको काफ़ी अच्छा लगता है। हम आप लोगों को दिखाना चाहता था इसलिए मैं लेके आया यहाँ पे। चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए आप देखते जाइए इस खूबसूरत नज़ारा। ये अलग ही तरह का पौधा है, पौधा क्या कैक्टस ही लग रहा है मुझे, पर काफ़ी यूनिक है। हमारे खुशी से सीखिए आप सब लोग, डस्टबिन में ही कचरा डालें, कचरा हमें कहीं बाहर निकालें। गुड, वेरी गुड, वेल डन। चलिए आगे। ये देखिए आपको हमारी खुशी और हंसा दोनों आगे चलते हुए। ये देखिए कैक्टस, आप छोटे छोटे कैक्टस, छोटे बड़े, ये देखिए आप। वाह, और ये आपको किसी झाड़ की तरह नहीं दिख रहा आपको? देखो कितनी इसकी शाखाएं निकली हुई, और नीचे इसका जड़ देखो, एक जड़ से निकला और कितने लंबे फैले हुए हैं इसके फन। ये देखिए आप दूर तक, ये देखने नज़ारा है खूबसूरत। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने इससे पहले कभी कैक्टस इस तरह के देखे हैं। देखे हैं तो ज़रूर बताइएगा, और किस लोकेशन पर है। अभी मैं आपको सेलाना में लाया हूँ, रतलाम ज़िले के डिस्ट्रिक्ट में। ये देखिए आप, चलिए आगे। वाह, किसी जंगल की तरह है। ये हमारे नन्हे से दोस्त यहाँ पे घूमने आए हैं। भैया आपका नाम क्या है छोटे भैया? आपका नाम बताइए। भूमिका। ये देखो बेटा, ये घूमने आए यहाँ पे कैक्टस गार्डन में। ओके बाय बेटा, बाय बाय। ये देखिए यहाँ पे हमारे छोटे छोटे दर्शक भी आए हैं देखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए रंग बिरंगे, ये इतना खूबसूरत, ये देखो आपको मंत्रमुग्ध लग जाएगा, आपका मन मोह जाएगा यहाँ पे इस चीज़ को देख के। काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत नज़ारे हैं। मैं तो देख देख के यहाँ पे हम जब भी आते हैं यहाँ पे खुश हो जाते हैं। खुशी खड़े हो? हाँ, ये बात, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए आप है, और इसको देखिए आप किस तरह से यहाँ पे, ये देखो छोटे छोटे गोल गोल इसके ऊपर के इसका फन फूल आ रहे हैं या फल आ रहे हैं, फूल ही है एक तरह से, आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप, और इसको ये वापस वही वाला जो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, समंदर के नीचे जो रहते हैं ठीक उसी तरह से ये इसके फन निकले। और इस आपको देखो इसको, ये कितने बड़े और इतने विशाल हैं, कितने बड़े हैं। हाँ, वाकई में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अद्भुत। चलिए आपको ये दिखाता हूँ, इसके ऊपर फूल आ रहे हैं, फल हैं या फूल हैं, मेरे ख्याल से तो फूल ही हैं। आप बताइए क्या हो सकता है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। हाँ हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं। और ये देखें बहुत खूबसूरत नज़ारा। हाँ, यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। इस कैक्टस को देखिए, अभी तो किसी पेड़ का समान ही है एक तरह से। ये देखो काफ़ी ऊपर तक जा रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये देखिए है एकदम किसी झाड़ की तरह, इसके तना शाखा देखो, हमारी खुशी एकदम इसके सामने बिल्कुल बनी नज़र आ रही है। यह है सबसे खूबसूरत कैक्टस गार्डन।
ये हमारी और खुशी और ये दोनों बैठ गए यहाँ पे एंजॉय करते करते। मज़ा आ रहा है खुशी आपको? बहुत अच्छा है। वो तो आएंगे ना कि गार्डन है बेटा यहाँ पे, गार्डन पे तो इस तरह से आना ही आना है। ये देखो ये हरियाली, आप कितनी खूबसूरत हरियाली है, और गार्डन देखिए यहाँ पर कितना मस्त है, कैक्टस गार्डन कितना खूबसूरत है। ये देखते जाइए आप कितने प्रजाति के, विभिन्न प्रजाति। ओहो इसको देखिए आप, ये गोल गोल है, वो भी गोल है, लेकिन किस तरह से निकला हुआ है ये देखिए किस तरह से निकल रहा है। इसका कांटे देखिए आप कितने तीखे और लंबे लंबे कांटे हैं। ये देखिए ये फल, वो आपको ये देखिए मोर, यहाँ पे आपका मोर के दर्शन हो गए। ये फन फैलाते हैं, देखो अपने पंख फैला रहा है यहाँ पे और चिल्ला रहा है। बारिश के मौसम है फिलहाल, तो ऐसे भी सावन का मौसम चल रहा है तो मोर दिखना स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ पे मोर काफ़ी है, काफ़ी संख्या में। ये हमारी खुशी कैक्टस गार्डन के सामने बिल्कुल बनी नज़र आ रही है, काफ़ी ऊँचे ऊँचे लंबे लंबे कैक्टस हैं यहाँ पे। चल हाँ क्या कहना चाहते हैं बोलिए बताइए। ये बात हमारी खुशी ने बिल्कुल सही कहा है, कैमरे में जो आप ये वीडियो में आप देख रहे हैं तो आपको इस पता नहीं चल रहा होगा किस तरह के गार्डन है, लेकिन हम वास्तविक अपनी आंखों से जो देख रहे हैं तो उसको देख के हम मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। हालांकि आपको कुछ तो पसंद आएगा, ऐसा नहीं कि आपको पसंद ना आएगा, लेकिन अपनी आँखों से इसको देखना वो एक अलग अनुभव है। हमारी खुशी ने बिल्कुल सही कहा। और कुछ कहना चाहते हैं? और कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए वेरी गुड, थैंक यू। देखो हमारी खुशी गाइड करते हुए हर चीजों को। और ये महल के हम पीछे की तरफ आ चुके हैं, ये देखिए महल का सही नज़ारा। आप यहाँ फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, हालांकि आज ये म्यूजियम में तब्दील हो चुका है। आप जब यहाँ आना चाहें तो ये म्यूजियम के रूप में है, म्यूजियम देख सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए आपको रतलाम से बस के द्वारा कनेक्टिविटी है, बस से आप आ सकते हैं। मात्र आधे घंटे का रास्ता, 25 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ये वाह देखो कितना लंबाई है इसकी, और इस कैक्टस को देखिए आप, देखो बिल्कुल एकदम पत्ते पतले पतले पत्ते आ रहे हैं। ये कैक्टस का ही एक रूप है, अलग प्रजाति का है। अब ये कहाँ लगता है ये नहीं पता, लेकिन इसका रूप देखिए आप बिल्कुल एकदम झाड़ की तरह। इस कैक्टस को देखिए, इसके तने को देखिए आप कितना मोटा है, कितना विशाल, और इसकी हाइट और इसकी लंबाई देखिए आप। आपको पास से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से इसकी जड़ स्टार्ट हो रही है और सीधा ऊपर जा रहा है। देखिए इसके फंस देखिए आप कितने बेहतरीन खूबसूरती के साथ फैले हुए हैं। ये देखिए इसकी हाइट और इसकी लंबाई आप देख के दंग रह जाएंगे, इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए फूल भी लगे हुए हैं, आप देखो अगर आप देख पा रहे होंगे तो, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए फूल लगे हुए हैं, बाप रे मैं तो खुद देख के इसको आश्चर्यचकित हो गया हूँ, कितना खूबसूरत है ये। चलिए ये देखिए आगे चलते हैं हम, ये देखिए आप ये नज़ारा एकदम खूबसूरत, बिल्कुल दिल लग जाएगा आप इनको देख के।
शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत अच्छी जगह है। ओके ठीक है, मिलते हैं। लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है बुढ़िया ट्रेवल ब्लॉग, जरूर आप इस पर सर्च कीजिएगा। मैं नए नए वीडियोस डालता रहूँगा। यहाँ पे पहला वीडियो है मेरा, पहला ब्लॉग है, और भी आपको नई नई जगह पर लेता जाऊँगा। ठीक है, लाइक कीजिए।